होला अमिगोज, वेलकम बैक टू द फुटबॉल लर्स। तो काफी कुछ ट्रेंडिंग न्यूज लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रोनाल्डो का 900 गोल, रोनाल्डो वर्सेस मिस्टर बीस की यूट्यूब फाइट जिसके बीच में मेस्सी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है, और बलुंदौर की नॉमिनीज आ गई है जिसके वजह से काफी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। नेमार जो है वो नाराज है, और बारसा ने ड्रॉप कर दिया है अपनी अवे की जर्सी जो काफी लेट है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, न्यू डे न्यू रिकॉर्ड, आदत हो गई है। उन्होंने खुद कहा था कि मैं रिकॉर्ड को फॉलो नहीं करता, रिकॉर्ड मुझे फॉलो करता है। भाई साहब ने करियर गोल्स 900 स्कोर कर दिए है, जो फुटबॉल हिस्ट्री में अभी तक के किसी ने नहीं किया है। मेसी जो है वो सेकंड नंबर पे है 838 गोल से, ज़्यादा दूर नहीं है, मगर मेसी के तारे थोड़े गर्दिश में है, गोल स्कोर हो नहीं रहा है बर्गर लीग में। तो रोनाल्डो ने स्कोर किए है स्पोर्टिंग लिस्बॉन से 5 गोल्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड से 145 गोल्स, रियल मड्रिड से 450 गोल्स, जुवेंटस से 101 गोल्स, अल नसर 68 प्लस काउंटिंग, पोर्चुगल से 131 प्लस काउंटिंग। जुवेंटस का मैं आपको एक बात बता दूं कि 2011 से लेकर 2020 तक के ये डिकेड में जुवेंटस का जो ऑल टाइम हाई स्कोरर गोल स्कोरर रहा है वो था रोनाल्डो। रोनाल्डो ने ज्वाइन किया था जुवेंटस को 2018 में, है ना, अनबिलीवेबल। दिस इज व्हाई ही इज द गोट ऑफ फुटबॉल। अब बात करते हैं रोनाल्डो वर्सेस मिस्टर बीस की फाइट जिसमें मेसी का इंटरवेंशन कैसे हो रहा है। जैसे इंस्टाग्राम पे हाईएस्ट फॉलोवर्स वाले इंडिविजुअल पर्सनालिटी है वो रोनाल्डो है, उसी तरीके से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जो हाईएस्ट सब्सक्राइबर है इंडिविजुअल पर्सनालिटी की वो है मिस्टर बीस। मिस्टर बीस को ये डर है कि रोनाल्डो इतने कम दिनों में इतने बड़े अचीवमेंट्स कर लिए हैं, तो थोड़े ही दिनों के अंदर वो मिस्टर बीस को पार कर सकते हैं। इसीलिए स्टार्ट में मिस्टर बीस जो है वो इनडायरेक्ट शॉट्स ले रहे थे रोनाल्डो के ऊपर। वो कह रहे थे कि अगर यूट्यूबर ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर मैं जीत भी जाऊँ तो रोनाल्डो का फैन बेस बोलेगा कि ये अवार्ड रिग्ड है, जैसे 2022 का वर्ल्ड कप रिग्ड था जो लियोनेल मेसी जीते थे। अब लियोनेल मेसी का फैन बेस क्या कर रहा है, वो जाके मिस्टर बीस के सब्सक्राइबर को बढ़ा रहा है और उनके सब्सक्राइबर को गेन कर रहा है ताकि रोनाल्डो मिस्टर बीस को हरा ना पाए यूट्यूब के कॉम्पिटिशन। और मिस्टर बीट अब डायरेक्ट शॉट्स लेना स्टार्ट हो गए, वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि मेसी यू आर द ऑफिशियल गोट, द डिबेट इज ओवर। तो काफ़ी कुछ चल रहा है दोस्तों इससे रिलेटेड, जैसी भी न्यूज़ आएगी मैं आपको इसके ऊपर पोस्ट करता रहूँगा। एक्चुअली में हम बात करेंगे बलुंदौर के नॉमिनीज आ चुके हैं। दोस्तों बलुंदौर एक ऐसा अवार्ड है जब आता है कॉन्ट्रोवर्सीज लेके आता है, कोई ऐसा साल गुजरा नहीं है जिसमें कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई है। सिर्फ एक साल जिसमें करीम बेंजिमा जीता था, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड ने बोला था कि भाई करीम बेंजिमा डिजर्व करता है। इसके अलावा जितने सीजन हुए इसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हुई, कभी रोनाल्डो को, कभी मेसी को, कभी मॉड्रिच को मिला, कभी इसका मार दिया उसका मार दिया, क्या 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 नहीं चलता। अब नॉमिनीज के अंदर भाई साहब रियल मड्रिड के स्टार रोड्रिगो को टॉप 30 में जगह नहीं मिली, जो बहुत बड़ी रॉबरी है। उनका अचीवमेंट जो है चैम्पियंस लीग, ला लीगा, सुपर कप और स्टैट्स बहुत अच्छे थे, बट उनको नॉमिनीज में अंडर 30 में भी नहीं लिया, जिसके वजह से नेमार जो है वो नाराज़ थे और उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे रखा था रोड्रिगो के बारे में। लास्ट स्टोरी में हम बात करेंगे बार्सिलोना ने अपने अवे की जर्सी ड्रॉप कर दी दोस्तों, बहुत ही लिट जर्सी। आपका क्या कहना है कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। More football stories, please hit the like and subscribe the channel. Till the time, bye. Adios, shabakhair.